गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। और मेरा रोज का रूटीन है कि उठते ही सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और उसके बाद में घर के सारे काम, पेड़ पौधों में पानी, वो सब मैं बाद में करती हूँ। तो बस यार गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो मैं घर के सारे काम निपटा लूँ। तो जिसने मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा वो जाके तब तक कल का ब्लॉग देख लो, तब तक मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। ओके, हो गया हूँ नहा धो के रेडी, और मैं अभी जा रहा हूँ इन्फिनिटी मॉल, और मुझे कुछ सामान लेना है, तो चलते हैं इन्फिनिटी मॉल, वहीं दिखाती हूँ क्या क्या लेना है। सालों में एक बार होता है कि हम कभी दिन में निकलते हैं, तो हम दिन में कल दिन में नहीं निकले थे। कल तो भी तो शाम को गए थे 4-5 बजे, अभी तो 12-1 बज रहा है, क्योंकि इसको शूट पे जाना है आज। बड़े बड़े लोग हैं, शूट पे जाते हैं, हम तो वेले हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ए, कहाँ जा रहे बिना प्रेस के कपड़े पहन के आ गए? कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस है, ये व्हाइट वाला भी अच्छा है, वो व्हाइट वाला सेल्फ लव, ये वाला डंगरी। हाँ मुझे लगता है वापस से मुझे अपनी आंखें टेस्ट करानी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। रोज मॉल आ रहे हैं, रोज खाली हाथ जा रहे हैं, तो अभी हम मौजहाट में जा रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और क्या होता है ना कि जब आपको कोई बर्थडे गिफ्ट दिलवाने वाला होता तो और पसंद नहीं आता, पेंटालून में तो मुझे कुछ पसंद नहीं आता। मैंने तो तुम पे छोड़ दिया भाई, जो लेना है ले लो, मुझे क्या। अभी तो पसंद नहीं आ रहा, जो लेना है ले लो बोला तो अपने मन से दे देना, जो समझ में आएगा मन से मैं दे दूंगा, फिर तुम बोलोगे ये क्या लेके आया। हाँ वो तो मैं बोलूंगी। लास्ट शॉप में जा रही हूँ मैं औरजाट में, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फयाज को जो समझ में आ गया अपने आप दे देगा, क्योंकि मेरे को इतना हेडेक नहीं चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। मोटा नहीं है, इतना मोटा नहीं है, पहन सकती हूँ। खुश है नहीं, खुश है नहीं। कपड़े लेने के बाद ऐसी खुशी दिखती है। लड़का हर जगह अपना हेलमेट भूल आता है। यहाँ तो एसी चल रहा है, यहाँ क्यों मुंह बांधा हुआ है? तो बाबा कुछ पसंद आया नहीं, एक दो चीज मैंने अपनी लेनी थी वो ले ली, और रही बर्थडे की बात तो ये लोग अपने आप देंगे, मेरे को उतनी हेडेक नहीं लेनी। तो मैं तो चली घर, और इसका शूट है तो ये जाएगा शूट पे शाम को, वहाँ से ब्लॉग बना के भेजेगा, अजय देवगन के साथ शूट कर रहा है, भेजेगा वो तो नहीं भाई। बाय बाय टाटा, मिलते हैं घर पे, धूप बहुत है, और मैं अपने वो हैंड ग्लव्स लाना भी भूल गई। मॉल से आ गई घर, और यम्मी चला गया क्योंकि उसका शूट है, नाइट शिफ्ट है उसकी आज, तो वो शूट पर बिजी है, तो वो तो शूट पे चला गया। बाकी आरब को बुलाया क्योंकि मुझे डीमार्ट जाना है, क्योंकि मेरा है बर्थडे परसों, तो सेलिब्रेट तो कर ही नहीं रही हूँ वैसे मैं इस बार, बस ऐसे ही डिनर पे एक दो खास फ्रेंड है उनको बुलाया है, कभी आरब के साथ कभी फयाज के साथ, ये लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं यार, दोस्त हो तो ऐसे सीरियसली। तो बस चलते हैं फटाफट से डीमार्ट और सामान लेके आते हैं। हेलो आरब, हाउ आर यू? हेलो हेलो। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पहले अभिनव के यहाँ चलेंगे। हाँ तो भाई ये आया, इसने बोला पहले अभिनव के यहाँ जाएंगे, क्योंकि उसने चाय पे बुलाया है, तो मुझे लगता है कॉफी विद करण के बाद अभी हमें चाय विद मिकी करना पड़ेगा। आओ भाई जल्दी आओ, इतना टाइम कौन लगाता है? हाँ तुम्हें पता था गूंज मोबाइल अपना ऑन करेगी, इसलिए तुम थोड़ा सा अपने बाल बाल सेट कर रहे होगे। वो तो कृपा से पूछा तुम कितने खाली हो, कृपा इतना खाली है बुला लो, इसको बुलाओ, ये यहाँ ये बहुत खाली इंसान है, ठीक है? हाँ अभी कृपा बोले कि ना तो यहाँ आ जा, कृपा एक्चुअली अपने ससुराल गई हुई है गाइज, ठीक है? हाँ कृपा कौन, इसकी पत्नी, ठीक है? तो वो इसे बुला रही है, तो बोल रहा है मैं बहुत बिजी, और हमें बोल रहा है मैं बहुत खाली हूँ, मैं बहुत खाली हूँ। अभी तो बच्चे के साथ आए कि तुम टेंशन मत लो, थोड़े दिनों में तुम बाप बन जाओगे, पापा तू चाचू। देखो गाइस मेरी शादी नहीं हुई है, हाँ। ये लोग मुझे जबरदस्ती बदनाम करते रहते हैं, ताकि मेरे से कोई लड़की सेट ना हो, ठीक है? तो ये चाहते नहीं कि मेरा घर बसे। इतना सारा कंटेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाय पिला दीजिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस चाय पीने में 2 घंटे लगा दिए, मिक्की की बातें खत्म नहीं होती है ना, तो अब हम फाइनली डीमार्ट जा रहे हैं। क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन डीमार्ट का चक्कर लग रहा है? अरे यार
डीमार्ट पे तो राशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये डीमार्ट ना जब से घर के पास आ गया ना तब से ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। एक सामान लेने और पांच सामान लेके जाते हैं। बेबी दे दम हाय। और ये इसको नीचे लगा के इस पे बॉल मारो, इन पे इनको गिराना होता है ऐसे बना के। क्यों बॉल कहाँ गई? हम के पास नहीं, हमारे पास। ओहो मेरे को क्यों नहीं बताया, मैं डीमार्ट गई थी वहां से ले आती बॉल। तो वो भी डीमार्ट से आ गई घर, लेकिन अभी फिर वापस मिक्की का फोन आया है, इडली सांभर बनवा रहा है वो। तो वो बोला कि यहीं आ जाओ, यहीं खाते पीते हैं। तो अभी हम दोनों वापस जा रहे हैं मिक्की के घर पे। क्या खाने? इडली और सांभर खाने। इधर दो लोग बैठे, तुम किधर से आ रहे हो पहले बताओ? एक काले में, तुम आ किधर से रहो पहले बताओ? काली मुड़ी खाते। मुझे पता था, मेरे को बिना बताए जाते हो ना, पेट तुम्हारा पक्का खराब होगा। आप आते नहीं हो डाइट? तुमने बोला ही नहीं कुछ। किसने बोला मैं डाइट पे हूँ? कुछ भी मांस भी खा गया? नहीं नहीं नहीं। दूसरे के घर में जा रही हूँ, वहाँ भी मैगी लेके जा रही है। अरे मेरा मैगी खाने का कभी भी मन नहीं करता है ना। दाल चावल खाना ज्यादा जरूरी है, रोटी खानी जरूरी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सुबह शाम मिक्की का घर, मिक्की का घर। ये मिक्की का घर ना हो तो हम कहाँ मिले सारे लोग? हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे? या बिना दिन में तो तुम बोल रहे थे, दिन में तो तुम बोल रहे थे तुम्हारे बीवी बच्चे कोई नहीं है, ठीक है। दिन में ये आदमी बोल रहा था ये शादीशुदा नहीं है, अभी मेरे को बच्चे के कपड़े दिखा रहा है। ये देखो कितने क्यूट क्यूट कपड़े हैं। ये किसके बच्चे के कपड़े हैं? तुम्हारे बच्चे कुणाल के। कुणाल का देश निकाला हो जाएगा, घर वाले बेदखल कर देंगे कुणाल को। कुणाल के ऊपर डाल रहे हो तुम। हाय हाय कितना बेशरम आदमी है यार ये। क्या क्या आपको कैसे लगी है मेरी मैगी? पहली बात तो तुम्हारी मैगी नहीं है, ठीक है? अरे मेरी मैंने बनाई है, सबकी मैगी है ये, सबकी मैगी है, स्पेशली तुम्हारी नहीं है। किसी के लिए ना कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। मैंने एक चीज, आपको लगता है कि इसने बनाई होगी? लगता क्या, बनाई है मैंने। एक लगता है इंसान बनाई। रविंदर ने बनाई है। देखो मैं ही नहीं, ये आदमी भी मैगी खाने वाला था। देखा देखो वो ट्यूशन से आ गए थे कि इसका मैगी खाने का मन कर रहा है। गाइस रश्मि की तबीयत खराब हो रही है थोड़ी सी, तो ये लेटी हुई आराम कर रही है।